धर्मशास्त्र लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र वाइस चांसलर के निलंबन को लेकर लामबंद हो गए हैं। बीती 17 अगस्त से यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्र छात्राएं भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। 36 घंटे से भूख हड़ताल पर बैठे कुछ छात्र छात्राओं की तबीयत भी बिगड़ रही है। बावजूद इसके वाइस चांसलर ने ना ही तो छात्रों की हालत जानी, ना ही उनकी शिकायत पर किसी तरह का एक्शन लिया। सर, बहुत सारी समस्याएं हैं हमारी यूनिवर्सिटी में। हमारे वाइस चांसलर हर बच्चे पे बहुत ही अभद्र तरीके के कमेंट्स करते हैं। यूनिवर्सिटी में हमारे रजिस्ट्रार जो हैं वो कोई फाइन पॉलिसी नहीं है, किसी भी वजह से हम पे कोई भी आर्बिट्री फाइन लगा दिया जाता है। करप्शन बहुत है सर यहाँ पे। वार्डन हमारी फैकल्टी की टीचर है, हमने बहुत बार बोला कि हमको वार्डन फैकल्टी नहीं चाहिए, वो वार्डन हमको क्लास में आके परेशान करती है अगर हम हॉस्टल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम उन तक लेके जाते हैं। ऐसे ही छोटी छोटी सी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि एड्रेस की जा सकती हैं, पर अभी तक हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। कितने दिन से आप लोग हड़ताल पे हैं? सर, हम 17 तारीख से हड़ताल पे हैं। अभी तक ये प्रोटेस्ट 17 तारीख से शुरू हुआ है, कल से हमने आमरण अनशन की घोषणा करी और कल से हम सब आमरण अनशन। पुलिस प्रबंधन की तरफ से इनकी तरफ से भी किसी प्रकार का कोई डेडिकेट मिलने नहीं मिला? कोई नहीं मिलने आया सर, कल से हम बैठे हुए हैं। हमने परसों शाम को नोटिस भेजा था परमिशन लेके एसपी से, कोई हमसे बात करने कल तक हमारे वाइस चांसलर एक बार भी हमसे बात करने के लिए नहीं आए। अभी अगर वो नहीं आ रहे आगे क्या आप लोग का ये कंटिन्यू रहेगा सर? और आज शाम से यूनिवर्सिटी का हर एक बच्चा अनशन पर बैठेगा। कितने छात्र हैं? करीबन 400। सर, ये धरना हमारा 16 तारीख को मैं यहाँ पे आया था और 17 तारीख से हमने हमारा धरना स्टार्ट कर दिया था। मैं 5वें ईयर का स्टूडेंट हूँ, राघव परेशर नाम है मेरा। और सर, हमारी क्लास चालू थी 17 तारीख से, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी ने सर इतना अन्याय करा है हमारे साथ कि हम लोग इसे एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी समझ के एडमिशन लेके आए। अच्छे अच्छे घरों से बच्चे आए, गरीब घरों से बच्चे आए, बड़ी मेहनत करके यहाँ पर आए हैं सर एग्ज़ाम क्लियर करके। उसके बाद सर यहाँ पर आके हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रशासन जो है और यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है सर पूरा, सर वो किस तरीके से फ़ंड को सर मिसयूज़ कर रहा है या फिर उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहा है। बच्चों को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होते होते सर बच्चों का दिमाग, मेंटल हेल्थ, उनकी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सर सब डिटेरियरेट हो रही है सर। बच्चों को कमेंट सुनने को मिलते हैं उनके अगेंस्ट में हमेशा, वो अपने हक के लिए लड़ें कभी भी तो उनका पीछा सर उनके पीछे उनको सर टारगेट करा जाता है बच्चों को। अगर सर बच्चे उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं तो उनको तब भी टारगेट करा जाता है सर, तब भी उनको थ्रेटन करा जाता है सर। जैसे आज मैं इंटरव्यू दे रहा हूं अगर यहां पे, तो हो सकता है कल को जाके मुझे भी बोला जाए कि तुम्हारी डिग्री में दिक्कत आएगी या तुम्हें प्रॉब्लम आएगी या तुम्हारी पीछे की फाइल्स निकाली जाएंगी 10 चीज़ें। लेकिन सर मेरे को इस बात के लिए बिल्कुल भी डर नहीं है, क्योंकि आज मैं अपने छात्रों के लिए खड़ा हूँ, अपने छात्रों के लिए और खड़ा रहूँगा जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। क्या समस्याएं हैं आपकी? सर, समस्या ऐसी हैं कि यहाँ पे हमारे यहाँ कॉलेज का सबसे पहले तो सर बेसिक चीज़ें नहीं है सर यहाँ पे। यहाँ पे सर मतलब आप ये मान लीजिए पानी से लेकर सब कुछ ख़राब है सर। हमारे यहाँ एक स्टूडेंट है जिसके पानी पी के सर पूरी तबीयत ख़राब हो गई, इसकी दोनों किडनियाँ फेल हो गई सर। वो सर बेचारा बच्चा आया सर पूरी अपनी किडनी का ऑपरेशन करा के। ऐसी सर छोटी छोटी प्रॉब्लम और सर कई बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं सर। कितने छात्र हैं जो पूरे आए सर? करीबन सर 500 से 550 छात्र हैं यहाँ पे और छात्र हैं सर।